अब तक 5वें पे ही आया हूँ मैं। बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है यार, सॉरी। कैसी चल रही है शॉपिंग? आई नो कि 60,000 तक के तो लैपटॉप भाई मैं बता चुका हूँ कि क्या कुछ डील्स आ चुकी है, लेकिन पता है यार मुझे कि जब तक मैं 1 लाख तक के लैपटॉप नहीं बताऊंगा ना, तो तुम में से जो और भाई जिनका यार थोड़ा महंगे वाला हिसाब है कि 60,000 से जो 1 लाख तक की रेंज में लैपटॉप आते हैं, वो यार भाई की रिकमेंडेशन के बिना नहीं लेंगे, है ना? अच्छा ओवर कॉन्फिडेंट ज्यादा तो नहीं हो गया? ऐसे ही कुछ लैपटॉप्स भाई मैंने काफी सारी वीडियोस चेक करके, रिव्यूज देख के शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। ऐसे 10 लैपटॉप्स हैं भाई जो मुझे सही लगे हैं, और सारे के सारे इसमें ना गेमिंग वाले नहीं मिलेंगे तुम्हें। कुछ ऐसे होंगे कि हाँ तुम्हें लगेगा कि इस प्राइस रेंज में गेमिंग उनमें हो सकती थी, लेकिन नहीं यार, सिर्फ गेमिंग पर्पज नहीं होता ना, और प्रोडक्टिविटी वगैरह और भी चीजें काफी हो जाती है, मतलब और डे टू डे टास्क हो जाते हैं, किसी को और कुछ करनी होती है, कोडिंग वगैरह टाइप हो गया भाई, किसी को बैटरी पूरी चाहिए कि हाँ परफॉर्मेंस कहीं पे ना अटके, बाकी बेसिक काम कर ले, कंटेंट देखना हो किसी को, तो कुछ इस टाइप के लैपटॉप्स भी मैंने इसके अंदर कंसीडर किए हैं कि जो सिर्फ गेमिंग से रिलेटेड ना हो, मतलब उनमें गेमिंग नहीं होगी, हो सकता है 1% उनमें बिल्कुल ही मिनिमल सेटिंग्स पे कुछ छोटी मोटी गेम चला पाओ, लेकिन बाकी कुछ ऐसे हैं भाई जो फाड़ देंगे गेमिंग वेमिंग की। पर एक बात जरूर है, सबके सब 10 के 10 लैपटॉप्स भाई हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप्स हैं और सारे बढ़िया काम करेंगे। हम उनमें से कुछ गिने चुने जिनके अंदर तुम गेम्स नहीं खेल पाओगे, पर हर टाइम कौन गेम खेलता है यार? खेलते हो क्या? कमेंट में बता के जाओ। एनीवे स्टार्ट करते हैं। जो पहला लैपटॉप है जो मुझे पसंद आया भाई, HP विक्टस 15 इंटेल कोर i5 के साथ वो आता है, 13 जनरेशन का, 13 420H प्रोसेसर मिल जाता है भाई, 16 GB की मेमोरी उसके अंदर लगा रखी है, 512 GB SSD है, विंडोज 11 के साथ आता है, और जो ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर वो 3056 GB वाला, मतलब बढ़िया ही परफॉर्मेंस आई है तुम्हारी। तो अमेजोन पे मुझे नहीं दिखा है, अमेजोन पे कहीं पे लिस्टेड नहीं था, लेकिन फ्लिपकार्ट जो बिग बिलियन डेज पे इस पे जो ऑफर बढ़िया आया हुआ है ना यार, वहां से तुम सच में जाके खरीद सकते हो। जो अभी करंट प्राइस चल रहा है इसका वो चल रहा है 69,990, तो अभी ये शो कर रहे हैं, लेकिन ऑफर्स ऑफर्स लगा के सब लगभग 7,000 रुपये का ऑफ मिल जाएगा, मतलब कि तुम्हें 63,000 का अराउंड मिल जाएगा, और अंडर 63,000 एक काफी बढ़िया डील है यार। मीडियम सेटिंग्स पे तुम्हें ऑलमोस्ट सारी गेम ये खिला देगा, गेमिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोडिंग करनी हो, वीडियो एडिट्स वगैरह करनी हो 2K तक की, इवन के 4K की भी वीडियो एडिट ही आराम से करवा देगा। ऑफ कोर्स इतनी स्मूथ नहीं करवाएगा जितनी तुम सोचते हो कि बिल्कुल हाई एंड के लैपटॉप करवा देते हैं, लेकिन हाँ तुम्हारा सही काम चला देगा। अंडर 63,000 इसे कंसिडर किया जा सकता है। तो भाई पसंद है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से सभी लैपटॉप्स का लिंक मैं उसके अंदर दे दूंगा, वहां से जाके तुम खरीद सकते हो, यू नो व्हाट आई मीन। तो बढ़ते हैं सेकंड लैपटॉप की साइड भाई। जो सेकंड लैपटॉप मैंने जो इस लिस्ट के अंदर अपनी शॉर्ट लिस्ट किया है ना, जिस पे मुझे बहुत ही बढ़िया डील लगी है, गेमिंग लैपटॉप नहीं कह सकते हम उसे, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों। जो सेकंड लैपटॉप है वो है भाई सैमसंग गैलेक्सी बुक 4, जो कि हमें इंटेल कोर i7 13 जनरेशन के साथ मिल जाता है, प्रोसेसर का एग्जैक्ट नेम है 1355U, और यू से तुम समझ ही गए होगे यार, जो यू सीरीज के प्रोसेसर होते हैं ना, एच सीरीज से हल्का सा कम परफॉर्म करते हैं। और ये वाला लैपटॉप भी हमें भाई अमेजोन पे नहीं दिखा था, इसका प्राइस जो अभी भी है जो फ्लिपकार्ट के ऊपर मैं देख सकता हूँ कि लिस्टेड कर रखा है 70,990 पे, अभी भी 1,000 रुपए से कम था, हेर फेर कर रहे हैं कुछ प्राइसेस में ही, कमेंट करके पूछ लेना कि अब शायद इतना बढ़ चुका है तो वो वर्थ इट है या नहीं है उस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। 512 GB की SSD मिल जाती है, और ये थिन एंड लाइट के कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब गेमिंग लैपटॉप नहीं कह सकते इसे, लेकिन भाई परफॉर्मेंस इसकी काफी तगड़ी है, भर भर के इसके अंदर पोर्ट दे रखे हैं, USB-C, RJ45, HDMI, USB-A, USB-C, microSD का कार्ड तक इसके अंदर दे रखा है, ऑडियो जैक इसके अंदर सेपरेट दे रखा है, तो कुल मिला के इसमें भर भर के पोर्ट दे रखे हैं, और मतलब तुम कह सकते हो डे टू डे चीज तुम्हें करनी हो, डाटा मैनेज करना हो, कोडिंग कर रही है तुम्हारी, ट्रैवलिंग के अंदर लाइट वेट है, तो काफी चीज का तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा। और एक और चीज, मैंने तो खैर इस चीज के ऊपर वीडियो नहीं बना रखी, लेकिन सैमसंग इकोसिस्टम का भी इसमें तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा भाई, जिसे पता करना हो ना क्या है क्या कुछ, इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ना काफी लंबी हो जाएगी, तो तुम जा सकते हो, एक आधे अपने भाई उन्होंने वीडियो बना रखी है, जैसे वैनम टेक शिवम भाई है अपना, उन्होंने बना रखी है, तो वहां पे जाके भाई चेक कर सकते हो, तुम पे अगर सैमसंग का फोन है, गैलेक्सी वॉच है और गैलेक्सी बुक 4 वगैरह, मतलब इस टाइप में तुम पे अपना लैपटॉप भी सैमसंग का ही है, तो भाई इन चीजों में शेयरिंग वगैरह डाटा मैनेज करना काफी इजी हो जाता है, कंपेटिबिलिटी बहुत सही रहती है, तो मतलब समझ जाओगे तुम कुल मिला के क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। बैटरी का बैकअप बहुत सही रहेगा तुम्हारा, स्क्रीन की क्वालिटी काफी अच्छी है, थिन एंड लाइट है, ज्यादा वेट नहीं है, कैरी करना भी बहुत इजी है, क्योंकि जो और गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं ना उनमें GPU वगैरह की वजह से भाई वेट काफी ज्यादा होता है, तो हमें यार वो वाली कैटेगरी का भी ध्यान रखना था ना कि और चीजें करने वाले भी तो काफी है, तो इसलिए हमने इसको कंसिडर किया है, क्योंकि सिर्फ इसका यार 1.5 किलो वेट है, मतलब 1.5 kg के अराउंड, और जो गेमिंग लैपटॉप्स हो जाते हैं उनका 2.7 kg, 2.8 kg, तो लगभग उनसे हाफ पड़ जाता है इसका वेट, कन्वीनियंट बहुत ज्यादा लगा मुझे ये, तो तुम्हें भी काफी पसंद आएगा जिनको सिर्फ गेमिंग पे फोकस्ड नहीं है, और चीजें भी करनी है और टास्क भी करने हैं, समझ जाओ बस, और किसी को ये टेंशन है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, कि इस पे क्या कुछ तुम कर पाओगे, तो इसका तुम कह सकते हो यार कोडिंग वोडिंग हो जाएगी, तुम्हारे ऑफिस में काम आ जाएगा, मल्टीमीडिया में कंसप्शन है तुम्हारी, कोई भी वो चीज कर सकते हो, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं लोग, वो चीज बहुत आराम से इसके ऊपर हो सकती है, मतलब गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए नहीं है ये, गेमिंग की कैटेगरी को इससे बाहर निकाल दो, ये उस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करता,
अब देख लो भाई तुम्हारा बजट अगर बैठ रहा है इतना लेने का और चीजों की, क्योंकि क्वालिटीज की काफी बढ़िया है। हाँ एक चीज की जा सकती है, मतलब कोई अगर वीडियो एडिटर है 1080p तक की वीडियो एडिट करता है वो चीज आराम से हो जाएगा। 4K की उम्मीद मत करना है, 2K की भी उम्मीद मत करना है यार। Amazon के ऊपर तो लिस्टेड था नहीं है, Flipkart के ऊपर है, तो वहां पे तुम अपने कार्ड वार्ड यूज करके, जो कि HDFC का ऑफर वहां पे आया हुआ है तो वो यूज करके भाई तुम्हें तगड़ा ऑफ मिल जाएगा 9-10 हजार का, जाके वहां से ले सकते हो। सेकंड लैपटॉप जो 60 हजार से 1 लाख के बीच में मुझे बढ़िया लगा था, इनफेमस कॉन्ट्रोवर्शियल ऑफकोर्स Lenovo लोक, जो कि हमारा भाई i5 13th generation 13450HX के साथ आता है, जिसके साथ हमें 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD मिल जाती है और ग्राफिक कार्ड RTX 3050 कुल मिला के गेमिंग वेमिंग सही करा देगा। और किसी को अगर अभी भी दिमाग में ये चीजें चल रही है, ये दिक्कत आ गई थी मदरबोर्ड वगैरह की, वो सब चीजें जहां तक मुझे पता है ना भाई Lenovo ने सॉर्ट कर दी है, तो Lenovo लोक अब लिया जा सकता है, तो बेफिक्र होके ले लो, क्योंकि अगर तुम्हारे में कोई दिक्कत 1% आई भी 1% तो Lenovo वाले संभाल लेंगे, टेंशन ना लो तुम। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 72,190 चल रहा है, ऑफर वॉफर लगा के तुम्हें ये लैपटॉप अभी भी अराउंड 64,000 तुम्हें मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया डील है यार। i5 13th generation नेक्स्ट लेवल प्रोसेसर है, बढ़िया तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के देगा लैपटॉप ये, और सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं भाई डिस्प्ले भी काफी तगड़ी है, मग स्विच इसके अंदर मिल जाएगा तुम्हें, FPS तक बूस्ट हो जाएंगे भाई AI से, तुम्हारा 144Hz का रिफ्रेश रेट इसके अंदर मिल जाएगा, जो रैम किट है वो भी DDR5 मिल जाएगी तुम्हें, और 60Wh की बैटरी मिल जाएगी, रैपिड चार्जिंग मिल जाएगी, 80% चार्ज हो जाएगा वो भी 60 मिनट में, इतनी रैपिड चार्जिंग इसके अंदर मिल जाएगी, और FHD कैमरा मिल जाएगा फुल HD वाला, जो वेबकैम है इसका वो फुल HD वाला तुम्हें मिल जाएगा, तो कुल मिला के बहुत बढ़िया डील है। और जो ग्राफिक कार्ड है वो भी भाई 95TGP वाला ग्राफिक कार्ड है 3050, ठीक है ये मैं सोचना कि अंडर पावर्ड वाला लगा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर किसी को RGB का चस्केडो है भाई तो 4 zone वाली RGB इसके अंदर मिल जाएगी, और स्वैपेबल कीज भी है इवन के कीबोर्ड की। और जब रिफ्रेश रेट की बात ही हमने कर लिया, तो डिस्प्ले का जो पैनल है हमारा IPS पैनल मिल जाएगा हमें, 15.6 इंच का डिस्प्ले पैनल मिल जाएगा, जो कि FHD IPS डिस्प्ले है हमारी, और ब्राइटनेस इसकी 300 nits है, 100% sRGB वाली डिस्प्ले है, जो कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले पैनल है, तो कुल मिला के भाई एक नंबर की डील है, बेशक अभी कर लो कार्ड में जाके तुम ऑर्डर। और जो फोर्थ लैपटॉप है हमारा Acer SwiftGo 14, जो कि OLED EVO सर्टिफिकेशन के साथ आता है, और उसके अंदर जो प्रोसेसर दे रखा है हमारा इंटेल कोर i7 13th generation का 13700H नेक्स्ट लेवल जामवाड़ प्रोसेसर है, साथ में जो रैम मिल जाती है हमें 16GB मिल जाती है, 512GB की SSD मिल जाती है, और ये भी कोई गेमिंग लैपटॉप देखो नहीं है, क्योंकि इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन वाला का जो बैटरी बैकअप होता है कम से कम 8-9 घंटे होता है, और तुम्हें पता है यार कि गेमिंग लैपटॉप्स का इतना बैकअप नहीं होता, 3 घंटे भी हद है, मैक्स सेटिंग्स पे अगर तुम गेम खेल रहे हो तो फट जाएगी उनकी इतनी देर में। डिस्प्ले पैनल है वो 90Hz का OLED डिस्प्ले पैनल है भाई, जो स्क्रीन की क्वालिटी है मक्खन है एकदम ऐसी चमकती हुई तुम्हें दिखेगी, IPS और OLED में दिन रात का फर्क तुम्हें दिख जाएगा, तो 90Hz सोच के ये मैं सोचना 144 नहीं है, नेक्स्ट लेवल लगेगी तुम्हें डिस्प्ले। और जो वेबकैम है इसके अंदर वो भी भाई QHD वाला है, FHD वाला नहीं है, तो उससे भी एक लेवल ऊपर ही है। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूं, फुल मेटल बिल्ड है ये, और फुल मेटल बिल्ड के साथ भी 1.25 kg का सिर्फ सोच लो इतना ही ज्यादा लाइट है, तो ऐसा ही नहीं मिल जाता, ईवो सर्टिफिकेशन और iSafe टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है, तो कुल मिला के तुम्हें कोई भी चीज की दिक्कत नहीं होने वाली। वाला वेरियंट तुम्हें भाई ऑफर वोफर लगा के 65 के राउंड आराम से मिल जाना चाहिए, और मिल जाएगा जहां तक HDFC जो ऑफर आ रखे हैं उसको देख के। लैपटॉप जो हमारा इसी लिस्ट के अंदर जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, जिसको लैपटॉप बोलू ना बोलू समझ नहीं आ रहा, iMac ही बोला जावे शायद, एप्पल का लैपटॉप, एप्पल का भी एक सेपरेट फैन बेस है यार, जैसे सैमसंग गैलेक्सी बुक हो गया तो एप्पल को कैसे पीछे छोड़ देंगे। मैक का हमने जो मॉडल इसके साथ ले रखा है वो हमारी मैकबुक एयर M2 चिप के साथ, जिसकी जो स्क्रीन साइज है वो 13.6 इंच है, और वेट तो बिल्कुल ही लाइट वेट है यार, 1.25 kg का है, मतलब एक ही हाथ से तुम हिला विला सकते हो उसको पकड़ के ऐसे। अपने पास है नहीं चैनल पे, तो रिव्यू वगैरह कुछ अभी किया नहीं है, देखो कभी आएगा तो करेंगे जरूर। मैं जैसे कि बताया है एडिटिंग वेडिटिंग करनी है और प्रोडक्टिविटी की और चीजें करनी है, तो मैं मूवी वूवी देखनी हो और 70 फलाना ढिमकाना जो भी तुम्हारे काम है ना गेमिंग को छोड़ के, वो सब चीजें बहुत आराम से कर सकते हो। कुछ मुच लेवल की गेमिंग जैसे कि GTA 5 लो सेटिंग्स पे शायद चला दे, क्योंकि मैंने चला के नहीं देखी है, बाकी ट्राई कर लेना अगर किसी पे हो तो भाई तुम चाहे यूट्यूब पे और वीडियोस देख लेना। इसको कंसीडर करने का ना यार दो रीजन है, एक तो ये क्योंकि इस पे भाई ऑफर काफी तगड़ा रखा है, दूसरा एप्पल का फैन बेस अलग है, तो भाई मुझे एक ना एक तो बताना ही था, क्योंकि मैकबुक भी लेते हैं लोग, इनकी एफिशिएंसी विंडोज से नेक्स्ट लेवल है, जो स्मूथनेस है। तो ये वाला भाई हमारा मैकबुक थिन एंड लाइट की कैटेगरी के अंदर आ जाता है, तो जो मेनली इसके अंदर क्या कुछ चलाओगे तुम, फोटोशॉप चला लोगे, एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह चला लोगे, स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, कोडिंग वोडिंग करनी है, ये सब चीजें बहुत आराम से कर सकते हो, बस गेमिंग नहीं कर पाओगे। अबे साले, तो जो इसका नॉर्मली प्राइस चलता है ना भाई वो 90,000 के अराउंड चलता है, अभी जो प्राइस शो कर
रहे हैं ना, ये 7999 है और कार्ड वार्ड के ऑफर लगा के तुम इसे 5000 रुपए का एक्स्ट्रा ऑफर इस पे ले सकते हो। तो ये तुम्हें लगभग यूं कह सकते हो कि अगर 80 का है तो तुम्हें 75 के अराउंड, 74 के अराउंड मैक्स 74 के अराउंड ये तुम्हें मिल जाएगा बहुत आराम से। और भाई ट्रस्ट मी, चाहे कुछ भी काम इस पे करने की तुम्हें आदत पड़गी तो तुम दोबारा विंडोज पे शिफ्ट नहीं होने के, मतलब इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस होती है इनकी। और पोर्ट्स के मामले में ज्यादा इनसे उम्मीद मत करना यार, एक सिंपल सा हेडफोन जैक देते हैं, 2 थंडरबोल्ट के पोर्ट दे देते हैं, स्पेशल ऑडियो के साथ ही हमें मिल जाते हैं। इनका जो इवन के माइक होता है इनबिल्ट जो लगा रखा होता है वो भी बहुत प्यारी साउंड कैच करता है। और बैटरी लाइफ अप टू 18 आवर्स की बैटरी लाइफ है। बाकी ये तुम्हारे यार डिपेंड करता है कि तुम टास्क इस पे क्या कुछ करते हो, एडिटिंग करते हो तो 2-3 घंटे और गिर जाएगी, और तगड़ा कुछ काम करते होगे तो भाई 3 से 4 घंटे और गिर जाएगी, ठीक है। तो ये मैक्स है अप टू 18 आवर्स, वो अलग अलग हो जाती है सबकी यूसेज के अकॉर्डिंग। तो सीमलेसली तुम ट्रांसफर कर सकते हो डाटा वाटा अपना अगर आईफोन यूजर से, जो कि बहुत ज्यादा बिकते हैं आजकल, तो आईफोन और आई मैक के अंदर तो शेयर करना एयर ड्रॉप वगैरह से ये सब चीजें बहुत ईजी हो जाता है। और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले दे रखी है 13.6 इंच की। कलरिंग वगैरह करनी हो, वीडियो एडिटिंग में कुछ भी कलर ग्रेडिंग करनी हो, कैसा भी कुछ काम हो जिसमें तुम्हें डिस्प्ले की जरूरत पड़ती हो, तो वहां पे बिल्कुल भी 1% भी कहीं पे भी लैग नहीं करेगा किसी भी टाइप की परफॉर्मेंस के लिए। तो 8GB रैम दे रखे हो इसके अंदर, 256GB की SSD है, लेकिन वही है तुम एक्सटर्नल SSD वगैरह ये सब चीजें यूज करोगे ना सही चलेगा उनके साथ भी। और रैम ये मैं सोचना बहुत कम है, 8GB रैम में क्या ही होगा, इनके 8GB भाई हमारी 32 वाली से भी बढ़िया काम करे। इस वाली वीडियो का ना यही खत्म करते हैं यार, ये बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी एक्चुअली, अभी 11-12 मिनट की शायद हो चुकी है। ये पूरी वीडियो ना 20-22 मिनट की थी, किसको दो पार्ट्स के अंदर डालते हैं, तो अभी जिसने 12 मिनट की देख ली वो पार्ट 2 करके देख लेना, तुम्हें अपने आप ही लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में भी, उसकी सेकंड वाली वीडियो का मैं लिंक में डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हो, नहीं तो आई कार्ड्स के अंदर भी आ जाएगा उसका लिंक। तो भाई अभी ये 5 लैपटॉप हैं, इसी वीडियो को देख लेना, इनके हिसाब से इनमें से पसंद आए तो बेशक ले लेना, ये मत सोचना कि अब सेल खत्म हो चुकी है। सेल के बाद अगर वीडियो देख रहे हो तुम, इनकेस फ्यूचर में भी देख रहे हो भाई, जब भी ये बढ़िया है लैपटॉप है। और फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन राइज होता हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं फिर भी बता दूंगा। अगर इन पे थोड़ा सा डिस्काउंट कम भी हो जाता है ना, इन लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस वाकई में काफी बढ़िया है, तब भी वो चीजें देख लेना साथ साथ कि तुम्हारा क्या पर्पज है और उस पर्पज के अकॉर्डिंग वो तुम्हारे उसके लिए फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। तो ठीक है फिर चलते हैं, बाय।